स्पेसिफायर्स फॉर बोलेमा नवोसा ना वी विल डिस्कस अबाउट दोज स्पेसिफायर्स विच वी नीड टू बी एड इन एडिशन टू द डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस ऑफ द क्लाइंट सो बेसिकली अगर एक क्लाइंट है उससे आपने डायग्नोज कर दिया बोलेमावोसा के साथ तो फिर आप देखोगे कि कोई स्पेसिफायर तो नहीं है यानी आपने देखना है कि उसके अंदर तो पार्सल रमीशन या फर्स रमीशन आई है या नहीं या उसके जो प्रॉब्लम है उसकी सवेरिटी लेवल क्या है सो so, अगर हम ये देखें कि एक टीन है जिसको आपने पहले विलमा नवोसा की पूरी जो थी उसके अंदर फीचर्स आ रहे थे और एक पूरी पिक्चर उसकी आपको प्रेजेंट हो रही थी आफ्टर अ वाइल जब वो आपके पास आया है तो ये पॉसिबल है कि फ्यू सिम्टम्स उसके अंदर हों लेकिन बाकी सिम्टम्स उसके अंदर ना हों इसी तरह जब हम फुल रिमिशन की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ये है कि एक दफ़ा बोलेमासा के जो सिम्टम्स हैं वो पूरी की पूरी उसके अंदर पूरी हुई हैं लेकिन आफ्टर सम टाइम उसके अंदर कोई भी सिम्टम जो है वो नहीं आ रही वो सिम्टम फ्रू है वो सिम्टम फ्री है ठीक है तो बेसिकली जो पार्शल रोमेशन है और फुल रमेशन है उसमें डिफरेंस ये है कि एक के अंदर फ्यू सिम्टम्स आएंगी और दूसरे के अंदर फ्यू सिम्टम्स भी नहीं आएंगी यानी एबसेंस ऑफ सिम्टम्स होगा फिर हम जब हम इसकी सवेरिटी लेवल चेक करते हैं तो सेवेरिटी लेवल के अंदर हम माइल्ड लेवल देखते हैं मॉडरेट देखते हैं सवेयर देखते हैं और एक्सट्रीम देखते हैं तो जब हम कहते हैं कि जो माइल्ड बिहेवियर है उसका जब हम ये कहते हैं कि द क्लाइंट हैज़ अ सा, तो उसका मेन मतलब क्या है कि जो उसका इन अप्रोप्रियट कंपनसेटरी बिहेवियर पर वीक है वो कितना है वन टू थ्री एपिसोड यानी हफ्ते के अंदर वो एक से तीन दफ़ा कंपनसेटरी बिहेवियर शो कर रहा है यानी एक से तीन दफ़ा वो वॉमिट आउट कर रहा है इसी तरह हम मॉडरेट कब कहेंगे जब वो वीक के अंदर फोर टू सेवन टाइम्स जो है वो वॉमिटिंग कर रहा है या वो अपना जो एक्सेसिव एक्सरसाइज है उसकी एपिसोड उसके अंदर नज़र आ रही हैं सवेयर में यही रेंज जो है वो एट टू थर्टीन हो जाएगी और एक्सट्रीम के अंदर 14 या 14 से ज़्यादा हो जाएगी और ये सारा कुछ जो है वो विद इन अ वीक होगा तो आपने जिस वक्त भी नर्वोसा डायग्नोज करना है उसके साथ उसके स्पेसिफायर्स भी आइडेंटिफाई करने हैं कि आइधर कोई स्पेसिफायर उसके अंदर फुलफ़िल कर रहा हो रहा है या नहीं हो रहा थैंक यू